Hi students, welcome to Shyam Science Academy online classes. Now we start physics. भौतिकी विज्ञान ये क्लास आपकी फिजिक्स की। फिजिक्स के दो पार्ट हैं, आप लोगों को अच्छी तरह से पता है फिजिक्स फर्स्ट और सेकंड। हम लोग स्टार्ट करेंगे फिजिक्स सेकंड, और फिजिक्स सेकंड की भी यूनिट नंबर 16। यूनिट इज 16 जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स। पांच नंबर की यूनिट है ये आपके, और पांच नंबर की यूनिट के सवाल कैसे आते हैं, एक नंबर प्लस दो नंबर प्लस दो नंबर, ऐसे टोटल मिला के अपने आएंगे पांच मार्क्स। एक नंबर का आता है छोटा क्वेश्चन, ये दो नंबर का आएगा अपना थोड़ा सा बड़ा, और ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है। ये जो एक नंबर का अपना जो क्वेश्चन आएगा ये फिक्स होता है अपना लॉजिक गेट का। लॉजिक गेट जिसे हिंदी में कहा जाता है टारगेट द्वार। और अब हम लोग स्टार्ट करेंगे लॉजिक गेट। हमेशा से अपना एक नंबर का सवाल है लॉजिक गेट यानी कि तार्किक द्वार। सबसे पहले इसकी बात करें परिभाषा की। लॉजिक गेट की परिभाषा क्या कहती है कि भाई ऐसी युक्ति जिसमें एक या फिर एक से ज्यादा, एक या फिर एक से ज्यादा, या तो कम से कम अपना एक रहे या फिर एक से ज्यादा रहे, ये तो क्या होनी चाहिए अपनी निवेशी संख्या। निवेशी संख्या थोड़ा सा अटपटा काम है हिंदी का, निवेशी संख्या इसे इंग्लिश में कहा जाता है इनपुट, ये ध्यान रखना। प्लस एक होना चाहिए अपना आउटपुट, जिसे एक हिंदी में कहेंगे इसको निर्गत संख्या, और इंग्लिश में कहा जाता है आउटपुट। या तो हिंदी के हिसाब से परिभाषा ध्यान रख लो, या अपनी इंग्लिश के हिसाब से। हिंदी में क्या कहेंगे कि ऐसी युक्ति जिसमें एक या एक से अधिक निवेशी संकेत और एक क्या रहे निर्गत संकेत रहे, उसे कहा जाएगा लॉजिक गेट अथवा तार्किक द्वार। या फिर क्या कह सकते हैं कि ऐसी युक्ति जिसमें एक या एक से अधिक इनपुट हो व एक आउटपुट हो वो कहलाएगी अपनी लॉजिक गेट या फिर तार्किक द्वार। अब बात करते हैं कि भाई ये चीज सपोर्ट किसको करती है। लॉजिक गेट या फिर तार्किक द्वार हमेशा सपोर्ट करता है बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम हिंदी थोड़ी सी अजीब है, कहा जाता है द्वि आधारित संख्या। द्वि आधारित संख्या, द्वि आधारित संख्या का मतलब किसी भी संख्या के अगर बेस में जैसे मैंने लिख दिया फॉर एग्जाम्पल एक्स वाई जेड, और ये कोष्ठक बंद करके अगर बेस में लिख दिया तो आउटपुट भी हो सकता है।
से क्या होगा, अपने को बाइनरी के अंदर चेंज करना है। जैसे मैंने लिख दिया कि दो है और इसके बेस में लगा दिया मैंने 10, ये दो ये कॉस्ट है, ये बेस इसमें लगा दिया 10, इसका मतलब ये संख्या हो गई अपनी डेसिमल संख्या, डेसिमल नंबर। अब अगर इसे डेसिमल नंबर को अपने को किसमें चेंज करना है, बाइनरी। वैसे अपने ये सिंबल से नहीं होते, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ध्यान दें, एक बाइनरी में चेंज कैसे करते हैं। तो सबसे पहले क्या ले रहा है अपने को, संख्या लिखो इधर, ठीक है, इधर लिखो 72 और इधर लिखो 67। इससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि अगर 3 में 4 का भाग देंगे, ठीक है, तो ये भाग नहीं जाएगा, भाग के बाद जाएगा ना 0 बाद। सबसे पहले लिखो संख्या 2, संख्या 2 को चेंज करना था 2। हमेशा अगर डेसिमल से बाइनरी की चेंज करना है तो अपने को 2 का भाग करना है, तो 2 में 2 का भाग किया कितना आ गया, 1 भाग। शेष पर कितना बच गया, 0 भाई, ये 2 हो गया, 2 में 2 का भाग किया 2 1 2 और शेष पर बच गया 0। तो संख्या की जगह 2, भाग का कितना आना 1, शेष पर कितना आ गया अपना यहां पे शेष पर, शेष पर कितना आ गया 0, ठीक। उसके बाद में ये भाग फल रिपीट कर दो यहां पे, यहां पे कितना आ गया, अब वापस से डिवाइड किस कर रहा है 2 का, 1 में 2 का भाग देंगे तो भाग जाएगा अपने कितनी बार, 0 बार। शेष पर कितना बचेगा, ऊपर वाली संख्या हमेशा शेष पर बचेगी, ऊपर वाली कितना बच गया, अपने को जब तक भाग देना है जब तक कि भाग का कितना ना जाए 0 नहीं आए, ठीक है। अब ये जो ऊपर वाली संख्या होती है इसे कहा जाता है एमएसबी और इसे कहा जाता है एमएसडी, ठीक है। एलएसडी का मतलब हो गया एन का मतलब लो, एस का मतलब सिग्निफिकेंट, डी का मतलब वेट। तो एलएसडी मींस लो सिग्निफिकेंट वेट, एमएसडी मींस एम का मतलब मोस्ट, एस का मतलब सिग्निफिकेंट, डी का मतलब वेट, मतलब मोस्ट सिग्निफिकेंट वेट। नंबर ऐसे ऐसे लिखा जाएगा नीचे से ऊपर, मतलब कि दो बेस में 10 बराबर आ गया, पहले क्या आ गया 1, फिर क्या आ गया 0 और इसके बेस में कितना लग जाएगा 2। मतलब अगर गलती से कंप्यूटर में या मोबाइल के अंदर आपका 2 लिखा तो कंप्यूटर उनके लिए हो 1 और 0, तो ये 1 और जो 0 होता है ना ये होता है अपना बाइनरी नंबर सिस्टम, क्लियर। तो जो लॉजिक गेट होता है वो लॉजिक गेट बेसिकली किसको सपोर्ट करेगा, अपना बाइनरी नंबर सिस्टम, ठीक है। अब तक आपने क्या पढ़ा है, नॉर्मल जो जो परिभाषा थी लॉजिक गेट, लॉजिक गेट की करने से क्या थी कि भाई ऐसी युक्ति जिसमें 1 या 1 से अधिक का होना चाहिए, जिसे कहा जाता है सामुद्रिक गेट,
सिंपल गेम। परिभाषा आज तक परीक्षा में कभी भी ना पूछी गई, लेकिन फिर भी पूछे तो ध्यान रखना, जो लॉजिकेट की परिभाषा होती है वही परिभाषा सिंपल गेम की होती है। मतलब है सिंपल लॉजिकेट के बताया कि भाई ऐसी युक्ति जिसमें एक या एक से अधिक इनपुट होने चाहिए और आउटपुट कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए, वही कहलाता है सिंपल गेम। साधारण गेम मतलब ऐसी युक्ति जिसके अंदर एक या फिर मोर देन एक, एक या फिर एक से ज्यादा के लिए अपना इनपुट इसके नीचे लिख दिया इनपुट एंड भाई ए क्या होना चाहिए अपना आउटपुट, वो कहलाएगा अपने सिंपल गेट। यानी कि परिभाषा के कैसे कहा कि भाई ऐसे गेट जिनका निर्माण, ऐसे गेट जिनके निर्माण में एक या एक से अधिक इनपुट हो तथा एक आउटपुट का उपयोग किया जाए वो कहलाएगा अपना सिंपल गेट। ठीक है, अब ये सिंपल गेट भी अपने भाई तीन प्रकार के होते हैं, मतलब लॉजिक गेट के दो प्रकार के, सिंपल गेट और यूनिवर्सल गेट। और सिंपल गेट की भाई जब कितने प्रकार हो, तीन प्रकार। पहला होता है ए एंड डी एंड इसको जो इंग्लिश में याद करना है, हिंदी का कोई काम नहीं। दूसरा होता है ओ आर और, और तीसरा होता है एम ओ टी। जिंदगी में ये सबसे खराब गेट होता है अपना गेट, इसको ध्यान रखना। परीक्षा क्या नाम से पहले बात करते हैं, जितनी परिभाषा पढ़ी सारी परिभाषा को मीटिंग थोड़ा सा उपयोग कराओ, पता नहीं एक बोर्ड मास है रूल पढ़ाऊंगा टेंथ क्लास में छठी सात की आठ में, मैं तब जी को अच्छी तरह से पढ़ाया करता था। बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ओ का मतलब होता है ओ, डी का मतलब होता है बेटा डिवाइड। बेटा ई डिवाइड को बोलो आप फिजिक्स में रहना है कोई कैपोरेशन बैक फिजिक्स बहुत आर्ट है, तो भाई बात से रियल में बहुत आर्ट है, तब सभी उल्टा चालू करिए। मतलब ये डी फोर डिवाइड होते हैं मैथ के अंदर, एक क्वेश्चन में होता है कि डिवाइड हमेशा मल्टीप्लाई में चेंज होता है, तो इसके लास्ट में शब्द को बोल रहा सबसे पहले क्या है डी। डी का मतलब क्या होना चाहिए अपने हिसाब से डिवाइड, और या डिवाइड का केंद्र है मल्टीप्लाई। तो अब देखना इस मल्टीप्लाई का उपयोग क्या होता है, सबसे पहले तो किसान परिभाषा पढ़ो सीखो भाई जी। अब तक आपको पढ़ा जाए कि भाई लॉजिक गेट क्या कह रहा है, जिसके अंदर इनपुट एक या एक से ज्यादा होना चाहिए, बट्टे 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 ये फिजिक्स है। एंड गेट क्या कहता है कि भाई इस गेट में इनपुट एक ना हो सके, इस गेट में इनपुट अपने दो या दो से ज्यादा, इस चीज को ध्यान रखना, कम से कम दो और ज्यादा से ज्यादा कितना कह सके जी, तीन चार पांच आठ दस पंद्रह बीस पच्चीस। ठीक है, यानी कि ऐसा गेट जिसमें दो या दो से अधिक, दो या प्लस दोनों के रहे इनपुट और एक के रहे अपना आउटपुट, वो क्या रहता है अपना एंड गेट। चलो बैठे दोबारा देखिए, लॉजिक गेट के कह जो एक या एक से ज्यादा इनपुट, एंड गेट के कह जो उल्टो कि कम से कम दो बटे ज्यादा से ज्यादा कितना वैसे कि चार वैसे कि पांच वैसे कि छह वैसे कि दस पच्चीस कितना, मतलब ऐसी युक्ति या फिर ऐसा लॉजिक गेट जिसमें दो या दो से अधिक इनपुट और एक क्या रहे आउटपुट। ध्यान रखना कोई सा भी लॉजिक गेट आ रहा है सारा मार्क्स बंद करके एक आउटपुट रखो सर। ठीक है, ये तो होगी इसकी परिभाषा कि भाई ऐसा लॉजिक गेट जिसमें दो या दो से अधिक इनपुट है एक के रहे आउटपुट रहे। ठीक है, ध्यान आप एंड गेट क्लियर। अब बात करना कि भाई एंड गेट का चित्र क्या होता है, या तो एक बार एक बार सामने ही रहा मैं बात करा गया कि डायग्राम की, तो भाई जी ये तो लास्ट को शब्द पकड़ लो कैसे ए एंड डी, ए एंड डी ए डी क्या हो लास्ट में डी, आज बंदे कहते हैं बड़ी डी बना दे डी बेटा, ये बात करा था मैं इंग्लिश के अंदर, ये बने ये बड़ी डी। आप परिभाषा क्या कह रहे जी कि दो इनपुट आना चाहिए, जो डायग्राम होगा डायग्राम की लेफ्ट हैंड, ये डायग्राम हो गया इसकी ये लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड में होता है ऐसा इनपुट और राइट हैंड में होता है अपना आउटपुट। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड में कम से कम कितनी डंडी की दे दो और ज्यादा से ज्यादा कितनी की दे तेरी मर्जी, तीन की चार चार की चार आठ की। तो बेटा यार किस दी दो डंडी एक रे या दो, क्योंकि परिभाषा कह रही थी कि कम से कम कितना इनपुट होना चाहिए दो और ज्यादा से ज्यादा कितना होना चाहिए दो से ज्यादा, कितना वैसे की तीन वैसे की चार वैसे। क्लियर, नाम दे दिया नाम दे दिया भाई जी नाम दे दिया।
ये हो गया अपना आउटपुट, ये तो हो गया इनपुट, ठीक है। इन दोनों को कहेंगे ये जो ए बी ना सेकंड देगी वही ए और बी, और दोनों का मैं क्या बोला था इनपुट, ठीक है भाई। और यह लगा दिया वाई और सरफेस का, सरफेस समझ लो सरफेस होता है बेटा यार, या वाई लिख दिया कि नीचे से कोई भी चीज निकालना था क्या होगा बात सरफेस समझ लो। तो ये वाई लिख दिया, वाई का मैं देख रहा हूं सर छोटे लिख दिया मैं बड़े लिख दिया कोई दिक्कत नहीं, कैसे देख सकते ये वाई लिख दिया, ये ओ यू टी, ओ यू टी का डाटा लिख दिया आउटपुट की डाटा, ठीक है। के निकल लो जब आप बता दो देखा अच्छा अपन कौन सा के कर जो भाई डी को मतलब मैं बॉडी मास कौन से के रहे डिवाइडर से और फिजिक्स हमेशा की चाल से उल्टी चाल से, तो डिवाइड का क्षेत्र से मल्टीप्लाई, अब मल्टीप्लाई कहते हैं मल्टीप्लाई मतलब गुणो, अब गुणा में फिजिक्स में क्या से निरूप करा था बा डॉट्स, ठीक है। ये तो ए था या बी एंड लिख दिया ए डॉट में के बेटा बी आई डोंट नो मतलब क्या हो बेटा ई दोनों के वैसे गुणा है, ठीक है। या तो वाई आउट बराबर में ए डॉट बी आई या करके रहोगी बूलिए संक्रियता, ध्यान रहेगी बूलिए संक्रियता मैं पहले कहता हूं पार्ट देख किसी पढ़ियो को दिक्कत ना है ना जा रहा है, तो इंग्लिश में क्या हुआ था फॉर्मूला, ठीक है। अगर अपना स्कूल में कोई ऐड गेट का फॉर्मूला पहुंचे तो ऐड गेट का फॉर्मूला आएगा ए डॉट बी, अगर दिमाग या चाहिए कि इस अधिक तीन में जाए तो उच्च नागना तीन में अगर से तीस रिटर्न खींच दो एंड नाम दे दिया सी एंड के आधार पर बेटा ए डॉट बी डॉट सी, अब कोई कहे तो सर जी चार होगी बेटा चौथी लाइन में खींच दे एंड नाम दे दे कुछ भी डी एंड के आधार पर ए डॉट बी डॉट सी डॉट डी, अर्थात जितनी चाहिए लोग तुम लेते समझ बैठ गए, मतलब कम से कम आप दो के लिए ज्यादा से ज्यादा तारीख चाहिए कितनी दो दो तीन चार पाँच, ठीक। अच्छा अब दो चीज तो है, अब परिभाषा पढ़ लिया डायग्राम पढ़ लिया, अब हमें एक तीसरी चीज और पूछो मेरे से बस, और तीसरी चीज ये पूछे हो कि भाई ये सारणी बनाओ, ये बनाओ बेटा सारणी बनाओ, अब एक सारणी तक बहुत सरल है, ऐसा सरल कि तारी जिंदगी में कभी भूल ही ना पाता कि भाई चंद्रपाल सर जाकर भी कभी फिजिक्स पढ़ा था, सारणी बनाना करते कि ठीक है 1024 2048 2048 वैसे ही होना चाहिए, ठीक है।
ये बने अपने ट्रूथ टेबल। बेटा ये निम बोला ना बहुत अच्छी नाम से सत्यता सारणी। अब सबसे पहला जेडी की सत्यता सारणी बनाओ हम पढ़ा दो ताले बाहर के बाय चांस अपन सवाल में नाम दीजिए भाई। दो इनपुट है तो दो के हिसाब से बनानी है, कहते तीन इनपुट है तो तीन के हिसाब से। अगर कुछ भी ना कहे तो बेटा अपनी मर्जी से क्या दो के हिसाब से बना था तीन के हिसाब से बना ठीक है। अगर एडिशन की आप सारणी बना लेंगे तो बेटा सबसे पहले की सेकंड का आधार क्या लास्ट क्या बेटा डी आ जो या डी सेकंड बना दी कैपिटल डी। फिर की ऐसी परिभाषा में कि भाई इनपुट कम से कम अपना दो बेटा चलो ज्यादा ज्यादा कितना कोई दिक्कत नहीं बेटा। सबसे पहले हम दो ही ले लिया तो सिर्फ दो तो ले लिया और यह मैन आ गया कि आउटपुट की एंड नाम दे दे बेटा ए या डी और यह आ गया फाइनल आउट
आउटपुट की मिला हुआ लो ही मिला, ठीक है, या तो घटी चला गया कि दो की। अब आप थोड़ी देख रहे हैं संख्या तीन लाइन दिखाई यहाँ पर रखी है, कुछ भी ना रखो बेटा तीन की देखो ए आप देखिए कि घटी तीन लाइन है, सबसे पहले दिमाग में लाओ ई आ गई तीन लाइन ए बी ए नाम दे दिया तीन आ गई एक दो तीन आउटपुट किया जाए बेटा एक दो पहले दोनों गुणों करना जब कितना गुणों कर जाना तीन है कॉम्बिनेशन के एच बेटा दो की पावर है एन को मान कितना होगा एक लाइन दो लाइन तीन लाइन तीन द्वितीया कितना बेटा छह गुणा भी बेटा द्वितीया में थी आठ मतलब दो गुणा दो गुणा दो 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 अच्छे रात चार गुणा आठ मतलब एक ही लाइन में कितना अच्छा रहेगा आठ अच्छा अब बढ़ा या ए या बी बेटा या सी ये लाइन जीरो 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 जीरो